देखिए हमारे को 17 क्वेश्चन और मिले हैं, तो 17 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बेसिस के ऊपर आपको आईआईटी जेएम का कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा, पेपर कैसा आया था इसका पता चल जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहला सवाल देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ द बिगर लेंस इज बायोकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 इन टर्म ऑफ ए फोकल लेंथ एफ। द रेडियस ऑफ द बिगर लेंस इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर वन। तो यहां से देखिए तो आपका बिगर लेंस हो जाएगा आर वन, तो देखिए आर वन इक्वल टू टू आर टू, तो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन आर वन माइनस आर टू आप यूज कर सकते हो। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस आर टू इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू म्यू इक्वल टू 1.5 रख दीजिए। इस तरीके से वन अपॉन एफ इक्वल टू 1.5 माइनस वन वन अपॉन आर वन प्लस टू अपॉन आर वन, तो यहां से आर वन इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू एफ आ जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर वन इक्वल टू 1.5 एफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल था। ग्राउंड स्टेट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय ग्राउंड स्टेट दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल रीजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ये आप ऑप्शन से भी पता कर सकते थे वैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द क्लासिकल रीजन इज 84% होता है, अगर आप याद रख सकते थे तो याद रखने वाली बात थी। आउटसाइड द क्लासिकल रीजन 16%। तो ऑप्शन ए एंड बी आर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सो सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो ये जो आपका ऑप्शन दे रखा है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए सी ऑप्शन ही था। 1.5 और 0 होता नहीं है, तो इसलिए राइट ऑप्शन आप सी कर सकते थे। बहुत ही सिंपल सवाल था, और वैसे अगर आप करते तो पी इक्वल टू साई स्टार साई कर दीजिए, एक्स वन से एक्स टू आप ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन पुट कर दीजिए, ये आपका एक्स वन हो गया ये आपका एक्स टू हो गया। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ई बराबर एन प्लस ओमेगा, ग्राउंड स्टेट के लिए एन इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ मैंने लिमिट निकाल ली एक्स वन और एक्स टू की। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पी इक्वल टू समथिंग पी इक्वल टू एच कट अपॉन एम ओमेगा, तो एम ओमेगा अपॉन एच कट इनटू एक्स को वाई मान लीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट पाई की पावर 0 से एच कट वाई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इनटू डी वाई। तो पी इक्वल टू, अब देखो ये 0 टू 1 है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी इनसाइड द रीजन है, आउटसाइड दिस रीजन इन द क्लासिकल रीजन, ये तो क्वांटम रीजन है, ये क्वांटम रीजन है, तो क्लासिकल रीजन में अपने को पूछा है, तो 1 से इनफाइनाइट कर दीजिए क्योंकि 0 टू 1 के अंदर ये है, तो 1 से इनफाइनाइट के अंदर क्लासिकल रीजन हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत ही आसान सवाल था ये, पता नहीं क्यों गलत करके हैं बच्चे। तो इसे आप ऑप्शन से भी आप मैच कर सकते थे, सी ऑप्शन था। एक सवाल देखिए, इस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर टी इज ब्रिंग टू इन कॉन्टेक्ट विथ ए रिसीवर ऑफ टेंपरेचर 2T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फाइंड द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इन एन टर्म ऑफ सीपी। तो डेल्टा इस सिस्टम का टी से 2T एम सी पी डी टी अपॉन टी, तो सीपी ln 2 हो जाएगा। डेल्टा एस रिजर्वायर 2T से 2T टी इक्वल टू ये माइनस 0.5 इंटू सीपी हो जाएगा, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू पुट कर दीजिए। इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.93 इंटू सीपी। ये आप देख सकते हो सवाल को। एक क्वेश्चन और है देखिए, द परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज सम पावर 1 kW एंड टेम्परेचर आर 2000 K एंड 1000 K, फाइंड द रेशियो आर वन अपॉन आर टू, आर वन इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ब्लैक बॉडी, आर टू इज द रेडियस ऑफ द सेकंड। तो पावर इक्वल टू ए एप्सिलॉन सिग्मा टी फोर, ये इमिसिविटी है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ई इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू 1 होता है, इमिसिविटी 1 होता है, तो पी इक्वल टू एरिया के लिए 4πr² सिग्मा टी फोर, तो पावर प्रोपोर्शनल टू r² इनटू टी फोर आपको दिया हुआ है, पावर बराबर है p1 इक्वल टू p2। तो इस तरीके से अगर आप ये सोल्व करोगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। तो ऑप्शन 4 आएगा, ऑप्शन 4 नहीं आएगा, आंसर 4 आएगा इसका। ए कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 1 cm, ए रोड ऑफ लेंथ l इज केप्ट एट 3 cm फ्रॉम इट, देन l' / l। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का इंटरनल अंदर का जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यहां से देखिए ये कॉनकेव मिरर है।
तो अंदर का सरफेस इसका u इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u लगा दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v का वैल्यू आएगा 3/4। तो यहां से आप m इक्वल टू s डैश अपॉन h माइनस v बाई u, तो l डैश अपॉन l इक्वल टू 1/4, राइट ऑप्शन हो जाएगा l डैश अपॉन l इक्वल टू 1/4। ये सवाल देखिए, कैपेसिटिव 10 पिको फैराड इज चार्ज विद द बैटरी ऑफ 50 वोल्ट, देन द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर कैपेसिटर C2 इज देन जॉइंड इन पैरेलल विद द फर्स्ट कैपेसिटर, देन द फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द बोथ कैपेसिटर इज 20 वोल्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ C2। तो पहले ये 10 पिको फैराड लगा रखा है 50 वोल्ट, तो Q इक्वल टू CV कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, Q इक्वल टू ये पिको फैराड इनटू वोल्ट है, डायमेंशन है, बैटरी इज रिमूव्ड। अब कह रहा है कि बैटरी को रिमूव कर दीजिए और दूसरा कैपेसिटर लगा दीजिए पैरेलल के अंदर, तो C1 और C2 दोनों पैरेलल में गए और उस टाइम V इक्वल टू 20 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ से Q डैश चार्ज बराबर होंगे, Q डैश इक्वल टू Q, तो 500 इक्वल टू C2 प्लस 10, C2 इक्वल टू आ जाएगा 15 पिको फैराड। एक सवाल देखिए, टू प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट हुज मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम आर फर्स्ट प्लेनेट आर कैपिटल आर एंड 3R, फॉर द सेकंड प्लेनेट 2R एंड 4R रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो T2/T1। बहुत आसान था, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, एक प्लेनेट के लिए लीजिए 2A1, तो यहां से आ जाएगा A1 इक्वल टू 2R, दूसरे प्लेनेट के लिए आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम 2A2, तो A2 इक्वल टू आएगा 3R। अपन जानते हैं T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A³, केपलर थर्ड लॉ, T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A³, डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 का, तो T2/T1 आ जाएगा 3/2 √3/2। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 3 साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A/2 एंड A/3 एंड फेज डिफरेंस π/2 एंड 3π/2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज। तो यहां से देखिए, आपको दे रखा है एक का फेज π/2, A/2 π और दूसरा 3π/2, तो यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा अक्ष इक्वल टू A cos ओमेगा t माइनस A/2 sin ओमेगा t A/3 cos ओमेगा t, तो ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल टू 2A/3 cos ओमेगा t माइनस A/2 sin ओमेगा t, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आ गया 5/6 into a, एक तो आपका ऑप्शन में यही था। तो यहां से देखिए, x इक्वल टू 2A/3 cos ओमेगा t A/2 cos ओमेगा t प्लस π/2, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू A2/A1, तो यहां पर आप देखिए, अगर आप tan थीटा A2/A1 करोगे तो आपका 3/4 आएगा, तो जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, इसलिए tan थीटा इक्वल टू 2A/3, इसको आप A2 मान लीजिए, 2A/3 और A/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, तो एक आपका आ 4/3 और एक आपका यहां पर पहले से π/2 है ही, तो यहां से 3/4 होगा नहीं, तो 4/3 हो जाएगा, और यहां से π/2 पहले से है ही, तो यहां से π/5 इक्वल टू π/2 tan इनवर्स 4/3, राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 इक्वल टू π/2 tan इनवर्स 4/3। एक ये सवाल देखिए, ये यहां से कट किया गया है, एक K40 डिकेज इनटू आर्गन 40 ऑफ हाफ लाइफ T=1/2 1.25 × 10⁻⁹ इयर्स, फाइंड द लाइफ टाइम ऑफ K40 इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁷ इयर्स। K40 अपॉन आर्गन 40 दे रखा है 50, तो T=1/2, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कि 1.25 था या 1.35 था, ऐसा कुछ था, T=1/2 = 1.25 × 10⁻⁹ इयर्स, तो m0 दे रखा है 50, m = m0 रदरफोर्ड सोडी नियम लगा दिया, m = m0 e^-λt, तो m/m0 = ये m0 upon m e^-λt, यहां से ln50 = λt, वैल्यू पुट कर दीजिए, λ = 0.693 / T1/2 × t, तो यहां से t आ जाएगा 705 × 10⁷ इयर्स, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10⁹ फॉर्म में पूछा था, तो 7.05 × 10⁹। 10⁷ की फॉर्म में पूछा था आपसे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 705 × 10⁷ इयर्स, तो 705 आएगा। ये बहुत ही आसान सवाल था, टू एनर्जी स्टेट ऑफ एनर्जी जीरो एंड ई आर ऑक्यूपाइड बाई N0 and NE पार्टिकल्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो N0/NE, तो यहां से एक स्टेट है E, NE दे रखा है और एक जीरो दे रखा है N0, तो यहां से N0 = A e^-λe पार्टीशन फंक्शन, E = 0, N0 = A आ गया, N = A e^-λe, तो E = A आ गया, N0/NE कर दीजिए, तो E^βe हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा N0/E = E^βe। एक सवाल और देखिए, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट टेंपरेचर
T and pressure P, volume V goes isothermally at volume 4V. Then it heated isochorically to pressure P. Then calculate the net heat in term of RT. RT ki form mein pucha hai, toh aap jante ho isothermal process ke liye D equal to 0, delta Q equal to W, nRT ln Vf upon Vi. So delta Q equal to delta W equal to ये आ गया equation number 1, n equal to 1 mole दे रखा था isochoric process के लिए. तो delta W equal to 0 होता है, तो delta Q equal to du हो जाएगा, n CV dT. तो delta Q equal to n CV TF minus TV. तो यहाँ से PV equal to nRT से लगा लीजिए, PF VF equal to nRTF. तो यहाँ पर volume आपको दे रखा है P into 4V RTF. तो TF यहाँ से आ जाएगा, TF equal to 40 I. अब equation number 2 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू सी वी फोर टी आई माइनस टी आई इक्वल टू आ जाएगा सी वी बराबर 3/2 R दे रखा था, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू ये होगा. अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, डेल्टा क्यू नेट पूछा है तो आर टी एल एन फोर 9/2 आर टी. तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5.88 आर टी. ये सवाल देखिए, इस सवाल के अंदर थोड़ी कुछ बच्चे 1/2πRC से करके आए थे. इन द गिवन सर्किट वी आई एंड वी नॉट आर फेज ऑफ 90 डिग्री फाइंड रेस्पेक्टिवली. तो यहां पर देखिए वी नॉट इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इन द गिवन सर्किट वी आई एंड वी नॉट आर एट ए फेज ऑफ 90 डिग्री. ये आपको देर का, अब यहां से देखिए ये वी आई है तो नोड एनालिसिस लगा दिया एट नोड पॉइंट ए के ऊपर, तो वी आई माइनस वी ए अपॉन आर इक्वल टू वी ए माइनस जीरो अपॉन एक्स सी, वी आई अपॉन आर इक्वल टू वी ए वन प्लस आर वन जे ओमेगा सी. तो यहां से आ जाएगा वी आई माइनस वी बी, वी आई माइनस वी बी इक्वल टू दूसरे वॉल्यूम के अंदर लगा दीजिए सब लोग वी बी माइनस जीरो अपॉन आर. तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 आ गया. अब दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, तो इस तरीके से अगर आप ये सोल्व करोगे दोनों को, तो यहां से देखिए ये आया वी नॉट अपॉन वी आई के फॉर्म. तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, वी नॉट अपॉन वी ए वन माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये जो टर्म है ये पीको फेरेड में दे रखा था, वैल्यू बहुत ही कम आएगी इसलिए इसको यहां से निगलेक्ट कर दिया. तो ये वैल्यू ले ली 1 माइनस टू जे जे ओमेगा आर सी. अब वी नॉट अपॉन वी ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जे ओमेगा आर सी. तो ये आपकी फॉर्म बन गई 1 माइनस जे एफ एल अपॉन एफ की फॉर्म बन गई. तो यहां से एफ एल का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/2πRC, तो सॉरी 1/4πRC. बहुत सारे बच्चे इसको 1/2πRC करके आए, तो इसका आंसर आएगा 1/4πRC. एक सवाल देखिए, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड. तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. v1 इक्वल टू ये दे रखा है, x1 इक्वल टू ये दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा. v2 इक्वल टू x2 इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए तो 2/4 ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरीके से आप देख लीजिए ए का वैल्यू आ जाएगा अंडरूट ऑफ 1/4 48/3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन के अंदर वापस से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा √3/10. राइट ऑप्शन आ जाएगा √3/10. अगला सवाल देखिए, ए कार ऑफ 600 kg इज एट रेस्ट इनिशियली एंड द कार कवर्स 600 m इन एन 1 मिनट अंडर ए कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, फाइंड द पावर इन टर्म ऑफ किलोवाट. तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी इक्वल टू 600 अपॉन 1 मिनट, तो 600 अपॉन 1 × 60 तो 10 m/s. तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, तो एम डी वी अपॉन डी टी डॉट डी आर एम वी इंटू डी वी. यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू 0 से 10, इस तरीके से डब्ल्यू वर्क डन आ जाएगा. पावर इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम होता है, इसने कहा था 1 मिनट, ठीक है, तो 60 सेकेंड हो गया, तो पावर इक्वल टू हो गया 500 वॉट, तो 0.5 kW. आपके ऑप्शन किलोवाट में पूछ रखा था 0.5 kW. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा था, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है एफ डॉट डी एस, ये सही था. ये आपका ग्रीन थ्योरम है साई ग्रेडिएंट स्क्वायर साई माइनस पाई ग्रेडिएंट स्क्वायर साई थीटा इक्वल टू, ये भी सही था, ये गलत है. देखिए ग्रीन थ्योरम के अंदर माइनस का साइन आता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये वापस से एफ डॉट डी आर स्टॉक्स थ्योरम है. तो राइट ऑप्शन आपके हो गए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सॉरी फोर्थ. ये एक सवाल दे रखा था, फाइंड द स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखा था, बताना था कि कौन सा आइटम है, एफसीसी है सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी हेक्सागोनल है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर होगा. अब यहाँ पर एक आइटम को ओरिजिन मान लेना, 000 ओरिजिन मान लिया, तो बाकी नियरेस्ट जो नेबरिंग आइटम है उनकी स्ट्रक्चर देखोगे आप. सेकेंड आइटम जो रखे हुए वो 0A/2, 0A/2, 0A/2 और 0A/2, इस तरीके के एटम्स की पोजीशन आ रही है, एक एटम की पोजीशन अपने 000 मान ली, तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर आ रही है वो एनएसीएल आ रही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एफसीसी, एनएसीएल एफसीसी स्ट्रक्चर होती है.
तो इस तरीके के 17 क्वेश्चन ये हैं, आप देख सकते हो। इसके बेसिस के ऊपर आप अपने नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था और जो पहले बताया नहीं था पूरा, तो यहां से देखिए ये ईबी है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस है और बीसी है वो एडियाबेटिक है और सीडी आइसोबारिक है, तो डीई एडियाबेटिक है। थोड़ा सा यहां से ये इस तरीके से है डीई, ये इस तरीके से है डीई और ईए आइसो थर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा डब्ल्यू बी सी आपको 10 जूल दे रखा है और डी यू डी पाथ के लिए 16 जूल दे रखा है, और बी सी प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो हो गया, तो डी इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो डी यू बी सी इक्वल टू माइनस 10 जूल। तो फॉर ए बी एंड ई ए डी यू इक्वल टू जीरो क्योंकि आइसोथर्मल है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डी यू ए बी डी यू बी सी डी यू सी डी डी यू डी ई और डी यू ई ए इक्वल टू जीरो, तो इस तरीके से डेल्टा डी यू सी डी इक्वल टू माइनस 6 तो या प्लस 6, इसने एब्सोल्यूट पूछा था, तो आपके मे बी जिसका जिसने एग्जाम के अंदर प्लस 6 किया था उनका भी सही है और माइनस 6 किया था उनका भी सही है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6। इस तरीके से आपके ये 52-53 क्वेश्चन हो गए, और भी आपको जो क्वेश्चन मिले आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, उनके भी आपको सोल्यूशन बता देंगे। तो 7 क्वेश्चन करीब और बचे हैं तो वो भी बता दीजिए, शायद मल्टीपल सेलेक्ट टाइप में ज्यादा बच गए तो वहां पर बता दीजिए, हमें याद नहीं आ रहे। थैंक यू। तो आप हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।